आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस ने जनपद मुख्यालय गोपेश्वर में एक बैठक का आयोजन किया। बता दें कि इस बैठक में जनपद की बद्रीनाथ विधानसभा, कर्णप्रयाग विधानसभा और थराली विधानसभा के प्रभारी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में सभी कांग्रेस पदाधिकारियों और लोकसभा निकाय चुनाव को लेकर अपनी अपनी बातें रखी। इसी क्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन पूरी जनपद कांग्रेस इस दिवस के रूप में भजन कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि भगवान राम प्रदेश के आराध्य हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक थी और सबसे महत्वपूर्ण इसमें हम ये बिंदु था कि लोकसभा और नगर निकाय के जो हमारे चुनाव से निकट हैं उसको लेकर ये बैठक आहूत की गई थी। और हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमारे तीनों विधानसभाओं में हमारे बहुत ही अनुभवी तीन हमारे साथियों को जिम्मेदारी मिली है प्रभारी के रूप में, जिसमें आदरणीय महावीर सिंह ऋषि कंटाल विधानसभा से हैं, आदरणीय प्रकाश रावत जी थराली विधानसभा से हैं और आदरणीय लक्ष्मण सिंह ऋषि जी बद्रीनाथ विधानसभा से हैं।